Welcome to Nihongomax once again. आज हम सीखने वाले हैं स्पीड ट्रेनिंग. स्पीड ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों इसकी जरूरत है, JLPT में इसका क्या बेनिफिट है, ये भी मैं आपको साथ साथ मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सिखाने की कि स्पीड ट्रेनिंग उसको कहते हैं जो कि हमारे को हमें वोकेबलरी को तेजी से रीड करना सिखाए, या फिर तेजी से अगर हमारे सामने दोकाई में कोई सेंटेंस आ रहा है या फिर वोकेबलरी का ही क्वेश्चन है तो उसको भी हम एक ही बार में रीड करके एक ही बार में उसका मीनिंग और सही रीडिंग निकाल पाएं, उसको कहते हैं स्पीड ट्रेनिंग. जैसे मैं जब भी क्लासेस देता हूं तो मैं चाहे वो N1 की हो, N3 की हो, N2 की हो, मैं उनको ये चीज़ बताता हूं कि एक वोकेबलरी को एक बार में याद करना, जैसे उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में या फिर कोई उसकी रीडिंग होती है जापनीज में, या दो रीडिंग हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, उनको इस तरह से याद करना बिल्कुल ही गलत है. आपको स्पीड ट्रेनिंग की तरह याद करना है और इसके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं लगभग 1000 या 1500 सेंटेंसेस, जो कि मेरी पूरी कोशिश है आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें नॉलेज दूंगा. फिलहाल हम थोड़े से ही लगभग 10 या 12 ही सेंटेंसेस को इस वीडियो में कवर करेंगे. ये वीडियो N5 से लेकर N1 तक के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करिए. इसमें स्पीड ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेबलरी किसको कहते हैं, वोकेबलरी का मीनिंग एकदम से याद कैसे करें, एकदम से हम इसको डेसिफर कैसे करें, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा. और साथ के साथ कांजी का भी आंसर, जो कि मैंने पहले वीडियोस में सिखाया है कि आपको रीड करके कांजी को याद करना चाहिए, वो आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा. वेलकम टू Nihongomax, माय नेम इज रवि. तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमें वोकेबलरी को, बहुत ही मुश्किल वोकेबलरी को भी हम बहुत ही इजीली सेंटेंसेस के थ्रू सीख सकते हैं. देखिए एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, नई वोकेबलरी है, चाहे आपने बहुत ही बेसिक से शुरू किया है, चाहे आपने सीखा है देनशा कुरुमा, वो तब भी आपके लिए नई थी, और अगर एडवांस के लिए तो भी वो नई ही होगी. तो बेसिक एडवांस कुछ नहीं होता, जो नया है उसको प्रैक्टिस कर करके हम सीखते हैं. और रही बात बड़े सारे मीनिंग्स को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काईशाइन, शोराई, यूमे, मांगा, इन सब मीनिंग्स को इंग्लिश में अगर आप लिस्ट बना के याद रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. इस शॉर्ट डेमो के थ्रू मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि सेंटेंस से ही 4-5 वोकेबलरी का एक सेंटेंस हो, उससे ही उसको सीखिए. पहली बात तो उसका एक्यूरेट मीनिंग आपको पता चलेगा, उसको यूज करने का तरीका आएगा, और दूसरी बात कि इंग्लिश के मीनिंग को याद करने की बजाय उस सेंटेंस को ही 3-4 बार रीड करके उसका मीनिंग दिमाग में घुमाना बहुत बहुत बेनिफिशियल और फास्ट रहता है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस देखिए, आने वा गक्षा देश शोराई वा ई काईशाइनी नारुतो ओमैमास, यानी मेरी बड़ी बहन दीदी जो है वो गक्षा है. गक्षा का मतलब होता है स्कॉलर, यानी कि वो स्टूडेंट जो हायर लेवल एजुकेशन तक सक्सेसफुली पहुंचा है. और इसलिए वो आगे कह रहे हैं कि शोराई वा ई काईशाइनी नारुतो ओमैमास, यानी कि फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छी कंपनी एम्प्लॉय बनेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ. एक चीज और, आने, ये जो कांजी है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आनी आने, ओतोतो इमोतो, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन. तो इसको एक इमेज बना के याद रखिए, हमेशा सोचिए जैसे बड़ी दीदी हैं वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बड़ी कंपनी में काम कर रही है, उन्होंने बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ है. तो इस तरह से आपको वोकेबलरी याद करना बहुत ईजी रहेगा. अगला सेंटेंस देखते हैं, वाताशिवा होइया दे निहोन नो यू में ना मांगाओ काईमाश्ता, मैंने बुक शॉप से जापान की एक फेमस मांगा यानी कि कॉमिक्स खरीदी, क्यों ओकुजो दे योमिमास. देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, आपको मीनिंग तो पता चल गया होगा कि आज मैं इसको टेरेस पर यानी छत पर जाके पढ़ूंगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि आप पहले मांगा याद करो, यूमे याद करो, होनिया याद करो, ओकुजो याद करो, उसके बाद आप सीख सकते हो, JLPT पास कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है. सही तरीका स्टार्ट करने का यही है. तो एक बार फिर से इसका मीनिंग देखते हैं, वाताशिवा होइया दे, मैंने बुक शॉप से निहोन नो यूमे ना मांगाओ काईमाश्ता, जापान की एक फेमस मांगा यानी कॉमिक्स खरीदी, क्यों ओकुजो दे योमिमास, आज मैं इसको टेरेस पे जाके, छत पे जाके पढ़ूंगा. और एक चीज और कि योमिमास यानी कि फ्यूचर फॉर्म है ये, यानी कि मैं पढ़ूंगा, अभी मैंने पढ़ी नहीं है. चलिए आगे देखते हैं, तेरे भी दे यू गाता आमेगा फुरीमास तो किकीमास्ता, तो टीवी पे मैंने शाम को बारिश होगी ऐसा सुना. नो दे इसलिए कासाओ मोते की माशाओ, इसलिए कासा यानी कि अम्ब्रेला, छतरी को लेके चलते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं, निहोंगो ओ बेंक्यो शुरू हो वा नानदेस का, जापनीज लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका मेथड क्या है, आनो कातानी कीते मिमाशो, उस पर्सन से पूछते हैं. तो हितो का जो ऑनरिफिक होता है वो काता होता है, और कीते मिमास का मतलब होता है पूछ के देखना,
मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि जापानीज लैंग्वेज बहुत हिंदी से मिलती जुलती होती है, तो ये भी हमारे लिए, हम हिंदी स्पीकर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कीते मिमाशो, ऐसे ही हम हिंदी में बोलते हैं कि पूछ के देखते हैं। एक चीज़ और, हो जो है ये वे होता है, आपने सीखा होगा ताबे काता, नोमी काता, यारी काता, वो भी होता है, वो उसमें जो काता है वो हो का पहली वाली कांजी ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इचिनेन कानो दोर्योक दे, सॉरी दोर्योकु तो तोमोदाचिनो क्योर्योक दे, तो पहले इन दोनों को सीखते हैं, दोर्योकु क्योर्योकु, इन दोनों को साथ में ही सेट बना के सीखिए, आसान रहेगा। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जैसे कि सेंटेंस में हमने देखा कि दोर्योकु क्योर्योकु साथ साथ आया हुआ है, तो कभी भी एक तो मिस्टेक नहीं होगी, दूसरी बात इनको याद करना ईजी रहेगा। तो हमेशा सेंटेंस से वोकेबलरी को सीखिए, ये बहुत बहुत फास्ट तरीका रहता है। चलिए तो मीनिंग देखते हैं। इचिनेन कानो दोर्योकु यानी कि एफर्ट्स, दोर्योकु का मतलब होता है मेहनत, तोमोदाचिनो क्योर्योकु, और क्योर्योकु का मतलब होता है कोऑपरेशन, सहायता कह सकते हैं, सहयोग कह सकते हैं, कोऑपरेशन, तो एक साल की मेरी मेहनत और मेरे फ्रेंड्स का कोऑपरेशन, सहायता, सहयोग। दे यातो निहोंगो नोर्योकु शिकेनो एन इचिनी गोकाक देकिमाश्ता, फाइनली मैं JLPT के N1 में पास हो गया। निहोंगो नोर्योकु शिकेन, ये एक ही बार में बोलना आना चाहिए। देखिए इन सेंटेंसेस को आप भी इस वीडियो को पॉज करके बार बार बोलिए, जापानीज में बोलिए, रीड करिए, और जो मैंने आपको मीनिंग बताया वो दिमाग में घुमाइए, बहुत ही जल्दी आप वोकेबलरी को सीखना शुरू कर देंगे। आगे जाके आपको एडवांस वोकेबलरी में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये तरीका फॉलो किया तो। एक बार फिर से देखते हैं, यातो का मतलब होता है फाइनली, निहोंगो नोरुक शिकेन का मतलब होता है JLPT जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और N1 तो सबको पता ही है, N5 N4 N3 N2 N1 होता है, नहीं गो काकु देकी माश्ता का मतलब है मैं पास कर पाया, आई वॉज एबल टू, गो काक का मतलब होता है पास हो जाना। चलिए तो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। इत्ते नो शून्यू गा नाई तो केकोन शुरू को तो का देखी मासेन, अगर एक फिक्स्ड इनकम नहीं है तो शादी नहीं कर सकते, ये इसका मीनिंग है। पहले हम अलग अलग वर्ड्स को समझते हैं। इत्ते का मतलब होता है रेगुलर या फिक्स्ड, और शून्यू का मतलब होता है इनकम। देखिए इनकम के लिए और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्यूरियो, क्यूयो, उनका मीनिंग आप सैलरी इनकम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे यूजुअली क्यूरियो जो होता है वो मंथली सैलरी होता है, शून्यो जो होता है वो इनकम होता है। अब वो चाहे जैसे मैंने किराए पे एक घर दिया हुआ है तो उससे भी मुझे इनकम आती है, मेरी जॉब भी है, मेरा कोई और भी छोटा मोटा काम है, तो सब सारा कुल मिला के उसको बोलेंगे शून्यो। क्यूरियो अगर है तो वो मंथली सैलरी होता है जो हमें जॉब से मिलती है। इस तरह से थोड़ा सा आप डिवाइड करके याद कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि पहले याद करना ज़रूरी है, पहले समझना ज़रूरी है, पहले उसको यूज़ करना ज़रूरी है, उसके बाद इतना ज़्यादा डिटेल्स में मीनिंग निकाल के आप यूज़ करें तो वो बाद की बात है। फिलहाल तेज़ी से जापानीज़ को सीखने के लिए इसके साथ मिंगल होना पड़ता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश में इसका यूज़ क्या है, इसका क्या है, वो ना करके इस तरह से सेंटेंस में बल्क में आप इसको रीड करने की कोशिश करिए। एक बार फिर से देखते हैं। इतने नो शून्य होगा नहीं तो, यानी अगर फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम नहीं है तो, देखिए ग्रामर भी इसके साथ साथ देख लीजिए, नाई का मतलब है नहीं और तो का बिल्कुल मतलब हिंदी से मिलता जुलता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी से बहुत मिलती जुलती है ग्रामर है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश से कंपेयर कर करके मुश्किल मत बनाइए, हिंदी में याद करिए, बहुत ईजी हो जाएगा। के कौन शुरू को तो का देखी मासेन, यानी कि शादी नहीं कर सकते, अगर फिक्स्ड इनकम नहीं है तो शादी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिक्यूनी अरु स्वेतेनो मोनोगा जूर्योकनो एकेओ उकेमास, इसका मतलब है कि अर्थ पे होने वाली सभी चीज़ें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लेती हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट लेती हैं। अब वर्ड्स को देखते हैं। चिक्यू का मतलब होता है अर्थ, देखिए सेकाई भी एक वर्ड है, लेकिन सेकाई का मतलब होता है वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, संसार जिसको कहते हैं, और चिक्यू का मतलब होता है धरती, अर्थ, यानी कि जब हम किसी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे चिक्यू, यानी कि ज्योग्राफी की, जैसे स्पेस, एटमॉस्फेयर, अर्थ, इन सब की बात हो रही है तो चिक्यू आएगा, जैसे फिजिक्स की बात हो रही है तो चिक्यू आएगा। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जैसे दुनिया में ऐसा होता है, पूरे संसार में उस जैसा कोई नहीं, उससे बढ़िया सिंगर कोई नहीं, तो सेकाई आएगा। अब अगला वर्ड है सुबेते, सुबेते का मतलब होता है ऑल, मोनो का मतलब चीज़ें, और मोनो का और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है चीज़ें, और चीज़ों का मतलब है जैसे सभी, जैसे पानी है, हवा है, पशु पक्षी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स, कार्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो जूरियो को, यानी कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लेती हैं। जूरियो को मतलब ग्रेविटी, और एक्यो का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, इम्पैक्ट,
ओके मास का मतलब होता है टू रिसीव। चलिए आगे देखते हैं, गाको दे बेंक्योश्ता कोतोवा माई निची उची दे फुक्शु शीना केरेबा नारीमासेन। तो इसमें भी आपने जैसे देखा होगा कि गाको का मतलब होता है स्कूल, बेंक्यो मतलब पढ़ाई, तो इतना तो इजीली आपको समझ आ गया होगा कि स्कूल में पढ़ी हुई चीजों को माई निची रोज उची दे फुक्शु शीना केरेबा नारीमास। तो इसमें तो ज्यादातर एक ही वर्ड है बस सीखने का, फुक्शु। फुक्शु का मतलब होता है रिविजन, तो रोज हमें रिविजन करना पड़ता है। और यहां भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रिवाइज ही रिविजन ही एक एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र हथियार है जिससे आप जापानीज लैंग्वेज को बहुत शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं। देखने में बहुत बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज करना शुरू कर देंगे, याद करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप एडवांस लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताई रियोकुगा काई फुकुश्ते। ताई रियोकु का मतलब होता है, जैसे कांजी देख के भी आप पता लगा पा रहे हैं, बॉडी पावर। ताई में कारादा की कांजी और रियोकु में चिकारा की कांजी यानी कि बॉडी पावर। और काई फुकु का मतलब होता है रिकवरी। अभी अपने ऊपर फुक्शु सीखा था, वो होता है रिवीजन, किसी पढ़ाई को पढ़ाई का रिवीजन करना। और यहाँ पर है काई फुकु, ये आता है बॉडी रिकवरी के लिए, जैसे बीमार है तो अब वो रिकवर कर रहा है, या फिर इकोनॉमी के लिए भी आता है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर गई है। फिर से यात्तो आया है, यात्तो का मतलब होता है फाइनली। फुत्सुनो से एकात्सो देखी रही होनी नारीमाश्ता, यानी मैं फाइनली अब नॉर्मल लाइफस्टाइल बिताने लग गया हूँ। फुत्सु का मतलब होता है नॉर्मल, सेकात्स मतलब लाइफस्टाइल। सेकात्स पहले भी मैंने वीडियोस में सिखाया कि आना जाना, जॉब करना, खाना बनाना, खाना खाना, घूमना फिरना, ये सब सेकात्स कहलाता है। और पैसे भी रिलेटेड होते हैं उससे, मतलब यहाँ पर तो एक्टिविटीज़ ही है सिर्फ। और एंड में एक और चीज़ पर ध्यान दीजिए, देकिरु योनी नारीमाश्ता, ये ग्रामर का पैटर्न है। बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं इसको सीखने में। सिंपल आप एक वर्ड याद रख लीजिए, शुरू हो गया है बस, तो वहीं सारे इसके मीनिंग फिट हो जाते हैं। तो देखिरु योनी नारी, देखिरु मतलब कर सकना, योनी नारीमाश्ता मतलब शुरू हो गया है, यानी करने लायक हो गया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस, निहोंगो नो हीरागाना या काताकाना वा कांतान देसगा कांजीवा तोते वो फुकुजात्सु। पहले यहां तक समझते हैं, ये तो बहुत ईजिली आपको समझ आ गया होगा कि जापानीज लैंग्वेज का जो हीरागाना काताकाना है वो तो कांतान है, यानी कि ईजी है। लेकिन और एक चीज और, गा लगाया तो लेकिन उसको प्रॉपरली समझिए और बोलिए कि वो लेकिन है, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं और बोल देते हैं उसको कि हीरागाना काताकाना सिंपल है और कांजी मुश्किल है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि हीरागाना काताकाना सिंपल है लेकिन कांजी मुश्किल है। और दूसरी बात, मुश्किल नहीं, फुकुजात्सु लिखा है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ही इंट्रिकेट होता है, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, बड़े सारे सिस्टम होते हैं, इसको फुकुजात्सु बोलते हैं। दातो ओमोउ गाक्सेगा होई देस, तो वो ये नहीं कह रहा है कि कांजी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगती है, वो ये कह रहा है कि कांजी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड सोचने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो आप इन इस तरह से सेंटेंसेस देखिए, इन्हीं सिर्फ आई थिंक 8-10 सेंटेंसेस हैं, उन्हीं से ही हमने लगभग 20-25 वोकेबलरी सीख ली है और सिर्फ 10 मिनट में सीख ली है। तो ये होता है इम्पैक्ट स्पीड ट्रेनिंग का, इसको कहते हैं स्पीड ट्रेनिंग। आगे जाके मैं और भी वीडियोस में आपको इससे भी थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस सिखाऊंगा। फिलहाल आप कर सकते हैं इस वीडियो को रिवाइज, मतलब बार बार रिपीट करके इन सेंटेंस को सीखिए। आपको स्पीड ट्रेनिंग से ही वोकेबलरी, चाहे N3 हो, चाहे N2 हो, चाहे N1 हो, सारी वोकेबलरी आप तेजी से याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई फील के आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये था पार्ट 1, इसमें मैंने बहुत ही कम सेंटेंसेस डाले हैं, तो आगे आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह से मैं आपको स्पीड ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज फॉलो आवर चैनल निहोंगोमैक्स।